भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2021 और दिव्यांग सम्मेलन योजना के तहत आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत क्रमशः नागपुर नगर निगम नागपुर जिला प्रशासन और एकीकृत क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास और दिव्यांगजन अधिकारिता केंद्र नागपुर में 60 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सहायक उपकरण वितरित कर रहे हैं। जिनके हाथ पैर नहीं है लेकिन मन से सीधे छलांग लगाने की इच्छा रखते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में उन्हें सक्षम बनाने का कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए पूरा प्रशासन लगन से काम कर रहा है और इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के जीवन को खुशहाल बनाना है। इसके माध्यम से लाखों वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को आसमान तक पहुँचने की ताकत मिली है। जगन्नाथ वर्धा निवासी 6 वर्षीय मंथन रोशन रंगारी के जन्म से ही कोई पैर नहीं है। परिवार को इस तरह के मंथन के पोषण की चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा मंथन नींव के अभाव में अपने आप कहीं नहीं जा सकता, उसे हर समय किसी न किसी के साथ रहने की जरूरत होती है। लेकिन अब मंथन को इस कैंप के जरिए व्हील चेयर दी गई है ताकि मंथन अब अपने आप घूम सके। इसके अलावा उसे एक टेबल और एक कंप्यूटर दिया जाता है ताकि अब मंथन उसके जीवन की दिशा तय कर सके, वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस उम्र में वह सफलता के शिखर पर पहुंचने का सपना देखता है, उन सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।